बहन भाइयों, मैं आपका दोस्त तेजर रघुवंशी आपके लिए लेके आया एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हर 4 साल बाद जो लीप साल आता है उस पर एक दिन ऐड हो जाता है, तो वो एक्चुअल में किस वजह से होता है। तो चलो तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जो एक्चुअल में 1 साल होता है वो क्या होता है? तो 1 साल मतलब ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो जो सूरज के गोल चक्कर काटती है, तो उसको एक चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? तो हमें ऐसा बताया जाता है कि 365 दिन लगते हैं। तो इसके वजह से 365 दिन मतलब 1 साल माना जाता है, पर असल में ऐसा नहीं है। असल में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर मारने सूरज का। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के 365 दिन और 6 घंटे में ऐसे एक चक्कर काटती है, तो एक दिन होता है 24 घंटे का। तो ऐसा पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे और जो चौथे साल का 6 घंटे है, ऐसे सब 6 घंटे मिला के 4 साल के 24 घंटे बन जाते हैं। तो उसके वजह से जो 24 घंटा है वो 24 घंटे में एक दिन ऐड हो जाता है। मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि एक दिन मतलब 24 घंटा होता है। तो जो अतिरिक्त जो 6 घंटे आ रहे हैं तो वो चौथे साल में ऐड होके एक दिन उसमें ऐड हो जाता है। इसके वजह से जो लीप साल है वो बन जाता है और वो फेब्रुआरी में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाता है। तो भाई अब करते हैं आज के फैक्ट की बात। क्या आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है उसकी एक गैलेक्सी है? पहले ऐसा समझा जाता था सबसे पहले तो कि जो पृथ्वी है वो बीच में है और पृथ्वी के आजू बाजू सब सूरज और बाकी के ग्रह घूमते हैं। बाद में केपलर वगैरह ने बताया कि जो सूरज है वो बीच में है, तो बाद में ऐसा माना गया कि सूरज पूरे ब्रह्मांड के भी बीच में ही है। पर बाद में पता चला कि जैसे जैसी अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, तो इस मिल्की वे में जैसे सूरज अपना एक तारा है वैसे 100 अरब तारे और हैं। मतलब जितने तारे हैं उनकी अपना ग्रह संस्था अलग है। जैसे सूरज के आजू बाजू जितने भी ग्रह घूमते हैं उनकी एक ग्रह संस्था बन गई, वैसी सभी 100 अरब तारों उनकी एक अपनी ग्रह संस्था है। वैसी जो 100 अरब तारे एक गैलेक्सी में, तो ऐसे कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया अपना क्या अस्तित्व है पूरे ब्रह्मांड में और पृथ्वी का भी क्या अस्तित्व है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो और आज का फैक्ट पसंद आया होगा। तो ज़रूर यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।